इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस को और डिटेल के अंदर। अभी तक अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें मैंने बताया था कि फंक्शंस क्या होते हैं, इसके अलावा मैंने फंक्शंस के टाइप्स बताए थे, हमने डिस्कस किया था कि सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं, मॉड्यूल्स क्या होते हैं और यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं, हमने कुछ प्रोग्राम्स किए थे उनके समझने के लिए। तो ये सब अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो दो वीडियोज जाके देख लीजिए, उनका लिंक आपको अभी आई बटन के ऊपर दिख रहा होगा। इसके अलावा मैं उनका लिंक वीडियो के लास्ट में भी डाल दूंगा सो दैट आप उनको देख लीजिए। इस वीडियो में हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शंस को और डिटेल के अंदर समझने वाले हैं कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस के अंदर रिटर्न वैल्यू कैसे काम करती है, कैसे हम इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं, एक आर्ग्यूमेंट, दो आर्ग्यूमेंट, तीन आर्ग्यूमेंट कैसे हम लोग इसमें पास कर सकते हैं और कैसे हम उसको फंक्शन के अंदर यूज करके वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक बेसिक सा फंक्शन बना लेते हैं। तो फंक्शन का नाम हमने पहले से ही लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि फंक्शन को कैसे हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कीवर्ड टाइप करेंगे def, def, ये यूज होता है फंक्शन की डेफिनेशन देने के लिए। फिर फंक्शन का हम लोग नाम देंगे, फंक्शन का नाम जो है वो कुछ भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ मान लो एरिया, ठीक है, एरिया वन मैंने इसका नाम दे दिया है, राइट। इसके बाद मैं अभी यहाँ पे इसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहा हूँ, और कॉलन और एंटर, राइट। यहाँ पे मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं यूज़र से दो इनपुट चाह रहा हूँ, तो मैंने लिया a इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर लेंथ ऑफ प्लॉट। तो मैं ये जो फंक्शन बना रहा हूँ इसके अंदर मैं एक प्लॉट का एरिया कैलकुलेट कर रहा हूँ। b के अंदर मैंने लिया है इनपुट एंटर ब्रेथ ऑफ प्लॉट, ठीक है। हमें पता है कि एरिया कैसे कैलकुलेट होता है, c इज इक्वल टू a इंटू बी, ठीक है, a और b मल्टीप्लाई हो जाएंगे और वो ऑटोमेटिकली सी के अंदर स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। हमें पता है कि बाय डिफॉल्ट जो इनपुट स्टेटमेंट है वो मुझे स्ट्रिंग की वैल्यू देगी, तो मुझे उसको सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में, तभी ये वर्क करेगा। तो मैं यहाँ पे इंट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये चीज़ आप लोग 11th में पढ़ चुके हैं पहले कि कैसे ये कन्वर्जन वर्क करती है, और यही चीज़ मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताई, जो इसकी सेकंड वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो टाइप कन्वर्जन फंक्शंस हैं वो कैसे वर्क करता है, ठीक है। अब C में आ गया A इंटू बी, अब मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट से C, मैंने C को प्रिंट कर दिया है, ठीक है। C क्या है, मेरा एरिया है। अब मैं इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि मैंने फंक्शन बना दिया है लेकिन मैं इसको कॉल नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि फंक्शन सिर्फ बनाने से काम नहीं चलता है, जब तक हम उसको कॉल नहीं करेंगे ना वो रन नहीं होगा। मैं इसको दिखाता हूँ रन करके। सो देखिए यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं आया है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ कि मैं वापस से जाता हूँ और यहाँ पे इसको कॉल कर लेता हूँ। मैंने लिखा एरिया और इसकी कॉलिंग दे दी है, ठीक है, ये इसकी कॉलिंग होती है फंक्शन की, एरिया वन, मेरे फंक्शन का नाम एरिया वन है। मैं रन करता हूँ इसको, रन मॉड्यूल, तो अब मेरा रन हो गया, मुझसे पूछ रहा है एंटर लेंथ ऑफ प्लॉट, मैंने दे दिया 100, एंटर ब्रेथ ऑफ प्लॉट मैंने दे दिया 220 से, तो 2000 मेरा एरिया आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा वर्क करता है। वहीं मैं अगर ये चाहूँ कि ये सब काम मैं बाहर करूँ, ठीक है, ये इनपुट लेना ये सब मैं काम मान लो बाहर करना चाहता हूँ, तो मैंने ये स्टेटमेंट्स जो हैं ये बाहर निकाल लिए। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं कोई भी इनपुट जो है अपने फंक्शन के अंदर लूँ, तो मैंने क्या किया कि इनपुट स्टेटमेंट्स को फंक्शन के बाहर निकाल लिया है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि ये ए और बी इनपुट स्टेटमेंट्स हैं, मैंने इसको बाहर निकाल लिया है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस एग्जांपल में दिखा रहा हूँ कि मैं आर्ग्यूमेंट्स कैसे पास कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसके डेफिनेशन के अंदर अब मैं पहले से दो चीज़ें पास कर रहा हूँ, ठीक है। मान लो मैंने किया लेन और
ब्रेथ, ठीक है। तो मैं दो आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहा हूँ, इनको आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब मेरा फंक्शन जो है वो दो इनपुट एक्सेप्ट करेगा, जब मैं इसकी कॉलिंग करूँगा ना, ये कॉलिंग, अब मुझे यहाँ पे दो वैल्यूज पास करनी पड़ेंगी साथ में, मैं इस ब्रैकेट को खाली छोड़ के पास नहीं कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पे दो वैल्यूज पास करनी पड़ेंगी जो यहाँ पे len और br को मिलेंगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, a के अंदर इनपुट ले लिया लेंथ और b में ले लिया ब्रेथ। अब मैं जब कॉलिंग कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पास किया a कॉमा b, मतलब a और b की वैल्यू मैंने इस कॉलिंग के साथ पास की। अब इसका मतलब ये है कि मैंने पहले यहाँ पे a दिया है तो a की वैल्यू मिलेगी len को, ठीक है, और b की वैल्यू जो है वो मिलेगी br को, राइट। तो जब ये कॉलिंग होगी, वैल्यू ऊपर पास हो जाएगी, तो अब मैं डायरेक्ट इनको यूज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ len और br, मतलब len और br को वैल्यू मिल गई थी, मैंने len और br को मल्टीप्लाई किया, c में उनको सेव किया और मैं यहाँ पे वैल्यू रिटर्न कर देता हूँ। अभी तक लास्ट एग्जाम्पल मैंने दिखाया था कि मैंने फंक्शन के अंदर ही मैंने क्या किया था, वैल्यूज को प्रिंट किया था, लेकिन यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फंक्शन के अंदर यूज उसको प्रिंट नहीं कर रहा हूँ। उसका रीज़न ये होता है कि मान लो मुझे कोई कैलकुलेशन करनी है फंक्शन के अंदर, और जो उसका आउटपुट है मुझे वो प्रोग्राम में कहीं पे और यूज़ करना है, उसको यूज़ करना है मुझे कहीं पे, राइट। लेकिन मैं अगर इसको फंक्शन के अंदर ही कैलकुलेट करके प्रिंट कर दूंगा तो मैं उसको कहीं बाहर यूज़ नहीं कर पाऊंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने कैलकुलेट किया एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ किया, उसको सी में स्टोर कर लिया और मैंने इसको रिटर्न कर दिया सी को, मतलब मैंने वैल्यू वापस दे दी बाहर। अब वापस मतलब मैं इससे सी की वैल्यू थ्रो कर रहा हूँ, अब थ्रो मैं कर रहा हूँ तो मुझे कैच करने वाला भी चाहिए कोई, तो मैंने यहाँ पे लिखा, मान लो मैंने लिखा डी इज इक्वल टू, अब इससे क्या होगा, एरिया वन फंक्शन कॉल होगा, ए की वैल्यू मिलेगी लेन को, बी की मिलेगी बी आर को, इसके बाद लेंथ और ब्रेथ कैलकुलेट होगा, मल्टीप्लाई होगा, वैल्यू मिलेगी सी को, रिटर्न होगा सी, अब सी की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे आके रिटर्न होके डी को मिल जाएगी। अब मैं देखो प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट मैं डी को कर दे रहा हूँ, ठीक है, सिंपल सा काम है। इस एग्जांपल में मैंने आपको क्या दिखाया, दो आर्ग्यूमेंट्स दिखाए हैं और मैं कैसे वैल्यू को रिटर्न करता हूँ, रिटर्न स्टेटमेंट दिखाई है मैंने, ठीक है। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, अब देखिए यहाँ पे ये पूछ रहा है एंटर लेंथ ऑफ प्लॉट, सेम मैं डाल देता हूँ 100, ब्रेथ सेम 20 डाल देता हूँ, वापस से 2000 आ गया। अब मैं आपको थर्ड एग्जांपल दिखाता हूँ जिसके अंदर मैं एरिया के साथ साथ पैरीमीटर भी कैलकुलेट कर रहा हूँ, राइट। इसके बाद मैं दो वैल्यूज को फंक्शन से रिटर्न करूंगा, अभी तक मैंने सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न की थी, अब मैं दो वैल्यू रिटर्न करूंगा यहाँ पे। तो मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, मैं इसका नाम रख देता हूँ कैलकुलेशन, राइट, कुछ भी मैंने नाम रख दिया कैलकुलेशन। अगेन मैं दो वैल्यू ले रहा हूँ लेंथ और ब्रेथ, मैंने सी में किया लेंथ इंटू ब्रेथ, और पी जो कि पैरामीटर करेगा इसमें क्या होगा, 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ, ठीक है। पैरामीटर ऐसे ही होता है कैलकुलेट, चारों साइड्स का सम होता है पैरामीटर, ठीक है। और अब मैं रिटर्न करूंगा सी कॉमा पी, अब मैं दो वैल्यू, आप एक से ज़्यादा वैल्यू कॉमा लगा के रिटर्न कर सकते हो, लेकिन शर्त वही रहेगी कि यहाँ पे आप जब उसको थ्रो कर रहे हो तो कैच करने के लिए भी कोई चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल यूज़ किया था, अब मैं यहाँ पे दो वेरिएबल यूज़ करूँगा डी कॉमा ई, राइट। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे एरिया अगेन मुझे यहाँ पे नाम चेंज करना पड़ेगा, मैं लिखूँगा कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन ए कॉमा बी, ए की वैल्यू मिलेगी लेन को, बी की वैल्यू मिलेगी बी आर को, लेंथ इंटू ब्रेथ कैलकुलेट होगा, वैल्यू आ जाएगी सी में, इससे पैरामीटर कैलकुलेट होगा, वैल्यू आ जाएगी पी में, रिटर्न करूँगा सी और पी, वापस से यहाँ पे आएंगे, सी की वैल्यू मिल जाएगी डी को और पी की वैल्यू मिल जाएगी ई को। अब मैं इसको दिखाता हूँ प्रिंट करके आपको, एरिया किस में आ रहा है मेरा, डी में, ठीक है। पैरामीटर इज वो किस में आ रहा है मेरा, ई में, ठीक है। अब मैं आपको दिखा दूँ इसको रन करके, वो अगेन मुझसे पूछ रहा है, तो लेंथ 100,
120 कर देता हूँ मैं इसको 20। तो देखिए एरिया आ रहा है वही 2000, पैरामीटर आ रहा है 240। ठीक है, तो इस तरीके से मैं एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास कर सकता हूँ। तो इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि हमने मान लो दो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दे तो दिए, लेकिन मैं पास जो है वो यहाँ पे एक करना चाहता हूँ या एक भी नहीं करना चाहता। तो ऐसे केस में मुझे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स पास करने पड़ेंगे। मान लो मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट जो है वो इसको दे दिया है 40, ठीक है, और इसको दे दिया है मैंने मान लो 50, राइट, ओके। तो यहाँ पे जब मैं डेफिनेशन दे रहा हूँ तो आर्ग्यूमेंट्स के साथ जब मैं वैल्यू दे रहा हूँ उसकी, तो लेंथ इक्वल टू 40 किया है, तो इसका मतलब है कि लेंथ की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 40। इसका मतलब है कि जब मैं यहाँ पे इसको कॉल करूँगा और मान लो मैंने यहाँ पे ये हटा दिए, मैंने कॉलिंग के टाइम पे कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किए, तो उस टाइम पे लेंथ और ब्रेड्थ को उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 40 और 50 मिल जाएगी। लेकिन अगर मैंने कोई भी आर्ग्यूमेंट पास कर दिया तो फिर डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, जो मैं आर्ग्यूमेंट पास करूँगा वो मिलेगा। तो पहले हम लोग देखते हैं इसकी कैलकुलेशन, राइट। मैं इसको रन करता हूँ, सेम मैं डालता हूँ यहाँ पे 100 और 20, ठीक है। तो इसमें क्या आया मेरा 2000 और 180, ठीक है, ठीक है 50 into 40, ठीक है 2000, ओके, और ये हो गया है मेरा, ओके, कि मैंने यहाँ कोई भी वैल्यू पास नहीं की थी। अब मैं मान लो यहाँ पे ए तो पास कर देता हूँ, मतलब मैं जो यूजर से लूँगा वो मैं पास कर देता हूँ, लेकिन इसके अलावा मैं कुछ पास नहीं करता, मतलब एक ही वैल्यू तो मिल जाएगी लेंथ को, लेकिन मैं जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है वो पास नहीं करता। तो जब मैं दूसरा आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहा हूँ तो बी आर को कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू उठा लेगा, ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो मैंने सेम वैल्यू दी 100 और 20। तो अब देखिए मैंने 100 पास किया था, ठीक है, लेकिन जो मैंने 20 पास किया है ना वो यहाँ पे BR को नहीं मिलेगा, तो BR को 50 मिलेगा। तो 100 into 50 5000 हो गया, ठीक है, और ऐसे ही मेरा जो पैरामीटर हो गया वो हो गया 300।